दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के लिए आज का दिन बेहद खास है। वेस्टइंडीज के इस दिग्गज बल्लेबाज ने 16 साल पहले आज के दिन नाबाद 400 रन बनाने का कारनामा किया था, जो अभी तक कोई भी बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है। दोस्तों, ब्रायन लारा क्रिकेट की दुनिया का एक ऐसा शेर जिसने बनाया ऐसा रिकॉर्ड ना किसी ने पहले बनाया था और ना कोई आगे बनाएगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज अगर वेस्टइंडीज टीम की हालत देखें तो पूरी तरह खराब है, लेकिन दोस्तों इसी वेस्टइंडीज प्लेयर ने 12 अप्रैल 2004 को एक करिश्माई पारी खेल के अकेले ही बना डाले पूरे 400 रन। क्रिकेट के दिग्गजों में बेशुमार ब्रायन लारा के इस रिकॉर्ड को महज पूरे 16 साल हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस रिकॉर्ड को अभी तक तोड़ा नहीं है। दोस्तों, दिन था 12 अप्रैल 2004। दोस्तों, उन दिनों इंग्लैंड में विजडम ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। इसी ट्रॉफी की चौथी मैच खेली जानी थी इंग्लैंड के सेंट जॉन में। दोस्तों, वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करते हुए अपनी पारी जोरों शोरों से शुरू कर देती है। वेस्टइंडीज का 42 स्कोर होते ही वेस्टइंडीज अपना पहला विकेट खो देती है। बॉल बैट को लग के विकेट कीपर के ग्लव में चली जाती है। उसके बाद पारी संभालने आते हैं हमारे ब्रायन लारा। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड में पूरा सन्नाटा छा जाता है। ये शांति तूफान के पहले की शांति होती है। दोस्तों, वेस्टइंडीज का 150 स्कोर होते ही ब्रायन लारा की 61 गेंदों में उनकी 50 भी पूरी होती है, क्योंकि उनके नीचे 44वीं 50 होती है। दोस्तों, 50 होने के बाद ब्रायन लारा जैसे दहाड़ नहीं लगते, छक्के चौकों की बारिश शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वेस्टइंडीज का स्कोर 220 होते ही लारा एक शानदार चौके के साथ अपनी सेंचुरी भी पूरी करते हैं, जो कि उनकी 25वीं सेंचुरी थी और दूसरी तरफ कोई भी विकेट गिरी नहीं थी। इस कारण मैच में पूरा रोमांच भर गया था। 300 लोगों का स्कोर होते ही फिर एक बार ब्रायन लारा शानदार चौके के साथ अपनी 150 रन पूरे कर देते हैं, वो भी सिर्फ 199 बॉल में। दोस्तों, अगर हम नोटिस करें तो उन्होंने अपनी 50 और अपने 100 और अपने 150 रन शानदार चौके के साथ पूरे किए हैं, और वो भी अपने अंदाज में। 150 रन होने के बाद वो अपने पूरे फॉर्म में आ जाते हैं। वेस्टइंडीज टीम के 400 रन पार होते ही ब्रायन लारा एक शानदार सा एक रन लेके अपने 200 रन पूरे कर देते हैं, और ये उनकी 7वीं डबल सेंचुरी थी, जो कि एक टेस्ट प्लेयर के लिए कोई कामयाबी से कम नहीं होती। वो भी उन्होंने सिर्फ 260 गेंदों में बनाई थी। उसके बाद इंग्लैंड के बॉलर पूरे संकट में आ जाते हैं कि इनको आउट करे तो कैसे करे। वो भी कह रहे होंगे, इन्होंने तो हमें घर का छोड़ा ना घाट का छोड़ा। वेस्टइंडीज के 482 रन होते ही लारा अपना पुराना अंदाज दोहराते हुए चौके के साथ अपने 250 रन पूरे करते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, भगवान हर किसी को एक चांस तो जरूर देता है। उसी तरह ब्रायन लारा को आउट करने का इंग्लैंड को एक चांस मिलता है, लेकिन वो गवा देते हैं। ब्रायन लारा का आसान सा कैच बॉलर छोड़ देते हैं। अगर दोस्तों वो कैच वो लपक लेते तो ना वो रिकॉर्ड बनता और ना ये वीडियो बनता। फिर वेस्टइंडीज के 576 के रन पर लारा अपना ट्रिपल शतक बना देते हैं, जो कि उनका सेकंड ट्रिपल सेंचुरी थी। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी मतलब एक दुर्लभ वस्तु की तरह होते हैं, जो कि हर बार देखने को नहीं मिलती। उसके बाद मानो ब्रायन लारा एक रन मशीन से बन जाते हैं, जो कि चौकों और छक्कों की बारिश कर देते हैं। उसके बाद वेस्टइंडीज के 666 रन पर ब्रायन लारा अपनी 350 रन पूरे कर देते हैं, वो भी धमाकेदार 2 रन लेके। लारा महज 50 रन ही दूर रहते हैं अपने 400 रनों के बीच में। दोस्तों, इससे पहले ब्रायन लारा का टेस्ट क्रिकेट का सबसे हाई स्कोर था 380 रन, की छक्का मारकर दोबारा बना लेते हैं, लेकिन एक चौका मारकर वो टेस्ट क्रिकेट का अपना हाई स्कोर बना लेते हैं, और आप उनका ये सेलिब्रेशन देख ही सकते हो। And once again to Brayan Charles Lara of Trinidad and Tobago and the West Indies, the second time in his career that he's broken this record. And what a moment of history this is, a repeat performance. 10 years ago, he set it, and he's... यह रिकॉर्ड बनाते ही वो अपना और टेस्ट क्रिकेट का सबसे हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं, जो कि मैथ्यू वेड ने बनाया था। वेस्टइंडीज के 745 रन होते ही ब्रायन लारा एक रन लेकर 400 रन पूरे कर देते हैं। वो एक रन नहीं मानो एक रिकॉर्ड ही बना रहे हो, ऐसा रिकॉर्ड जो कोई तोड़ नहीं सकता, और उनकी इस पारी को एक सलाम तो बनता है। दोस्तों, क्या लगता है, क्या ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाएगा? अगर तोड़ पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उनकी पारी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह के नई वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।